बिजनौर में देर रात्रि पुलिस जब दिल्ली पौड़ी नेशनल हाईवे पर पेट्रोलिंग कर रही थी, तभी उन्हें हाईवे के गांव हुसैनपुर में कुछ लोग छुपे होने की जानकारी मिली, जिस पर पुलिस उनकी तलाश करने पहुंची तो बदमाशों ने पुलिस पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। तभी मामले की जानकारी उच्च अधिकारियों को दी गई। सूचना पर आसपास के थानों की पहुंची पुलिस ने बदमाशों को चारों ओर से घेर लिया। इस दौरान दोनों ओर से कई राउंड फायरिंग की गई। मुठभेड़ के दौरान पुलिस की गोली से एक बदमाश वसीम राजू को पैर में गोली लगने से वह घायल हो गया। उधर बदमाशों की गोली से सिपाही अमित कुमार भी घायल हुआ। पुलिस ने मुठभेड़ के बाद घायल बदमाश सहित तीन बदमाशों को पकड़ लिया। घायल बदमाश और सिपाही को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। पकड़े गए तीनों बदमाश इनामी है। तीनों कैराना के रहने वाले है और बिजनौर सहित मुजफ्फरनगर लक्सर सहित जिलों में लूट डकैती की घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं। इंस्पेक्टर कीरतपुर को एक गैंग की सूचना मिली हुई थी, उस पर इंस्पेक्टर कीरतपुर वहां अपनी टीम के साथ लगे हुए थे और वहां कुछ बदमाश थे जिनकी संख्या 5-6 के करीब की बताई जा रही है। उस सूचना पर ये लोग गए, वहां पे फिर फायरिंग शुरू हो गई। बाकी थानों की पोस्ट नजीबाबाद और स्वाट की टीम भी वहां पहुंची और इसमें पुलिस मुठभेड़ में एक बदमाश को गोली लगी है और उसको यहाँ हॉस्पिटल लाया गया, हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। एक आरक्षी को गोली लगी है, हाथ में खतरे से बाहर है और दो अन्य व्यक्ति पकड़े गए हैं। कितने राउंड फायरिंग हुई सर? अब एग्जैक्ट तो अभी नहीं कह सकते कितने राउंड फायरिंग हुई है, अभी तत्काल की थोड़ी देर पहले की घटना है तो उसको काउंट किया जा रहा है और जैसे निकल के आता है उसको बताया जाता है। और पुलिस की तरफ से भी एक आरक्षी को लगी गोली और इंस्पेक्टर की गाड़ी में गोली लगी है। ये बदमाश जो है इसकी पहचान हुई है, कहाँ का है, कितना बड़ा अपराधी है, कितने मुकदमे सर इसके खिलाफ जो पकड़ा? अभी प्राथमिक तौर पर जो पूछताछ में पता चला है, जो वो उनके द्वारा स्वयं बताया गया है, उसमें इसका नाम जो है राज उर्फ वसीम उर्फ राज बताया गया है, इसने खुद ही बताया है। और ये पहले भी डबल साधुओं की हत्या के मामले में जेल जा चुके थे और यहाँ पे आए हैं और पहले से भी पुलिस को कुछ इनकी सूचना थी इनके गैंग की, तो उसमें कुछ ऐसे भी मामले थे जो डकैती और हत्या के मामले इनके द्वारा कारित किए। आज जो ये घटना हुई है, क्या ये किसी घटना को अंजाम देने के लिए थी, ये क्या था जो रहा है? जी निश्चित रूप से अभी 6 महीने पहले, 5-6 दिन पहले डकैती नजीबाबाद में हुई थी, इसमें भी इनकी इन्वॉल्वमेंट सामने आ रही है और इनका एक साथी पकड़ा भी गया था, उसी के उसमें लग रहा है कि ये निरंतर किसी और घटना को अंजाम देने के लिए। Thank you.